स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करना चाहते हैं, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे अपने वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले पंजाब किंग्स के तीन ऐसे खिलाड़ी के बारे में जो कि पंजाब किंग्स के मेन स्तंभ माने जा रहे हैं इस IPL 2023 में, और कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स को चैंपियन बनाने में इन तीनों खिलाड़ियों का काफ़ी भरपूर साथ मिलने वाला है, जिसके बदल पंजाब किंग्स इस सीजन का जो खिताब है वो अपने नाम करने वाली है। तो अब दोस्तों कौन कौन से रहेंगे ये खिलाड़ी हम बात करेंगे वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। इतने हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो लेकर आए तो उसका अपडेट और नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे अपने वीडियो में। तो दोस्तों अगर बात करें पंजाब किंग्स ने इस सीज़न जो स्क्वाड रखा है पूरे 22 खिलाड़ियों का रखा है, और कहीं ना कहीं उनकी जो प्लेइंग 11 है उनमें से 11 खिलाड़ी खेलने वाले हैं, और 11 खिलाड़ी को पंजाब किंग्स यहां पर बेंच पर बिठाने वाली है। तो अब दोस्तों इसी के साथ अगर हम बात करें तो वो 11 खिलाड़ी पंजाब किंग्स ऐसे टारगेट करना चाहेगी जो उनके लिए मैच विनर साबित हों, और पंजाब किंग्स के लिए हर मैच में काफ़ी अच्छी और दमदार परफॉर्मेंस लेकर आएँ, जिसके बदौलत पंजाब किंग्स अपने आप को ना ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कराए बल्कि IPL का खिताब भी जीतते हुए नजर आए। अगर दोस्तों हम बात करें पिछले सीज़न की तो पंजाब किंग्स ने अपने आप को छठे पायदान पे फिनिश किया था, तो कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स टारगेट करना चाहेगी शुरुआती से ही मैचेस को जीते जाएं और दबदबा बना करके प्लेऑफ में एंट्री मारी जाए सबसे पहले, जिसके बदौलत पंजाब किंग्स जो है टॉप पर बनी रहे और IPL का खिताब भी जीतते हुए नजर आए। तो अब दोस्तों इसी के साथ अगर हम बात करें तो तीन खिलाड़ी पंजाब किंग्स के लिए बहुत ही अहम साबित हो सकते हैं इस जीत के लिए। तो अब दोस्तों अगर बात करें पहले खिलाड़ी आते हैं खुद उनके कप्तान शिखर धवन। जी हाँ दोस्तों अगर हम बात करें शिखर धवन की तो उनके आंकड़े काफ़ी अच्छे हैं, ओपनिंग में इनकी जो बल्लेबाजी है वो काफ़ी अच्छी रहती है, एंकर इनिंग खेलते हैं और अपने टीम्स को मैच भी जिताते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें यहाँ पर तो इन्होंने पूरे IPL में खेले हैं 206 मैच, जिनमें से 205 पारियों में इन्होंने बल्लेबाजी की है। अब दोस्तों कुल इन्होंने जो है रिकॉर्ड्स के हिसाब से जो बताया जा रहा है कि 6244 रन इन्होंने बनाया है, 106 रन इनका बेस्ट है, 35 का इनका एवरेज है और 126 का स्ट्राइक रेट इनका रहता है। यानी कि शिखर धवन अपनी जो बल्लेबाजी है उसमें सूझबूझ लेकर के चलते हैं, और अगर दोस्तों हम बात करें इन्होंने 2 शतक और 47 अर्धशतक लगाए हैं पूरे IPL में, तो कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स के शिखर धवन एक मेन और अहम बल्लेबाज यहाँ पर साबित होने वाले हैं, क्योंकि अगर शिखर धवन का बल्ला बोलता है तो कहीं ना कहीं शिखर धवन इस सीज़न हाइएस्ट रन गेटर में शामिल हो जाएंगे, और जैसे कि इनकी जो टीम है पंजाब किंग्स वो भी IPL खिताब जीतने काफ़ी कगार पे दिखाई देने वाली है। अगर दोस्तों शिखर धवन काफ़ी ज़्यादा रन बनाते हैं पंजाब किंग्स के लिए तो कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स जो टीम है वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आएगी इस सीज़न में। उसके बाद अगर दोस्तों हम बात करें पंजाब किंग्स के लिए जो दूसरे अहम खिलाड़ी बनते हैं वो बनते हैं सैम कुरन। सैम कुरन की दोस्तों अगर हम बात करें तो पंजाब किंग्स ने इन्हें सबसे ज़्यादा बोली में ख़रीदा है, यानी कि 18.5 करोड़ की अमाउंट में इन्हें खरीदा गया है, तो कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स की उम्मीदें भी इनसे कुछ उसी प्रकार की रहेंगी कि सैम कुरन किसी भी तरीके से पंजाब किंग्स को इस सीज़न उन्हें खिताब दिला कर दे, ताकि सैम कुरन एक रिजर्व्ड प्लेयर बन जाए पंजाब किंग्स के लिए। अगर दोस्तों हम बात करें इस सीज़न तो सैम कुरन ने वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस किया था अपने गेंदबाज बाजी से और बल्लेबाजी से भी, जिसके बदौलत उन्हें जो है मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया ICC T20 वर्ल्ड कप में, और उन्होंने अपने इंग्लैंड टीम को खिताब भी जिताया है, तो कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स की जो उम्मीदें हैं कि कुछ इसी तरीके से सैम कुरन भी परफॉर्मेंस करे और पर्पल कैप होल्डर में सबसे आगे रहें, ताकि पंजाब किंग्स भी जो है IPL खिताब जीतने में सबसे आगे यहाँ पर दिखाई दे। अब दोस्तों कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स के लिए इन दोनों खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी देखना दिलचस्प रहेगा। सैम कुरन की अगर दोस्तों हम बात करें तो मिडिल ऑर्डर को संभालते हुए नजर आएंगे, और वहीं अगर हम बात करें शिखर धवन की तो यहाँ पर वो ओपनिंग बल्लेबाजी में दमदारी लेते हुए यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं शिखर धवन। उसके बाद अगर दोस्तों हम बात करें तीसरे खिलाड़ी जो कि पंजाब किंग्स के लिए अहम होने वाले हैं वो रहेंगे लियम लिविंगस्टन। लियम लिविंगस्टन की दोस्तों अगर हम बात करें तो ये काफ़ी अच्छे मैच विनर हैं, और जब इनका बल्ला
बंदा बोलता है तो इनका जो स्ट्राइक रेट रहता है वो 250-300 के ऊपर चला जाता है, जो कि पंजाब किंग्स के लिए काफ़ी अच्छा बताया जाता है। अगर लियम लिविंगस्टन आ करके हर मैच में इस तरीके की इनिंग खेलते हैं तो पंजाब किंग्स कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नज़र आएगी और पंजाब किंग्स हर मैच को जीतते हुए भी नज़र आ सकती है। तो अब दोस्तों देखना दिलचस्प होगा पंजाब किंग्स के इन तीन मैच विनर के बारे में, क्या इनका बल्ला बोलता है और इनका परफॉर्मेंस किस तरीके से हमें दिखाई देता है आने वाले आईपीएल के मैचों में। तो आपका क्या मानना है दोस्तों इन तीनों खिलाड़ी के बारे में, क्या ये तीनों खिलाड़ी मैच विनर हैं या नहीं, आप में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों पंजाब किंग्स की टीम में आपको कौन कौन से मैच विनर दिखाई देते हैं जो कि पंजाब किंग्स इस सीज़न काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आएंगे। दोस्तों आपका कमेंट कहाँ में रहेगा बेसब्री से इंतजार। दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को देखने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।